मुंबई, ये नाम कहाँ से आया? हैदराबाद को हैदराबाद क्यों कहते हैं? कोची का कोई मतलब है या नाम ऐसे रखा है? मैसूरू के नाम के पीछे कहानी है, कहानी कहीं कहीं लिखी हुई है और कभी कभी जुबानी है। वाह, भारत के ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे हम रह चुके हैं, वहाँ हम ट्रैवल कर चुके हैं, पर हमें ये नहीं पता कि इन शहर के जो नाम है उनकी मीनिंग क्या है और ये नाम पड़े कैसे। नमस्ते, अगर आपको सीखने में मजा आता है, यू आर गोइंग टू लव दिस वीडियो। मेरा नाम है पारस तोमर और मैं आपको बताने वाला हूँ। अरे सुना है, भारत के इतने सारे शहरों के नाम के पीछे रीजन भी है, कहानी भी है। सुनोगे? शुरुआत करते हैं फ्रॉम द सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों का शहर, आम जी मुंबई से। पर सवाल ये है कि मुंबई का नाम मुंबई बना कैसे? मुंबई आता है महा अम्बा से। माना जाता है कि इस भूमि की जो देवी है वो है महा अम्बा। अच्छा, मराठी में मम्मी को क्या बोलते हैं? सोचो, आपके महाराष्ट्र फ्रेंड्स है, आई। आई का मतलब हिंदी में तो आई गई टाइप होता है, लेकिन मराठी में आई का मतलब होता है मुंबई, महा अम्बा आई, यानी कि महा अम्बा जो हमारी माता के समान है, और वैसे आया मुंबई। सोचो स्वीट स्टोरी। अब माँ की ममता से जाते हैं सीधा शेर की दहाड़ पर। अब हैदराबाद तो आपको पता है, जैसे मैं बोलता हूँ हैदराबाद, हैदराबाद जाना चाहते हैं नवाबों के लिए, टुंडे कबाबों के लिए, हैदराबादी ठाट के लिए और हैदराबादी बिरयानी के लिए। और हैदराबादी नाम कहाँ से पड़ा? हैदराबाद को अगर आप ब्रेक डाउन करें, ये बन जाता है हैदर आबाद। हैदर का मतलब होता है शेर, आबाद का मतलब होता है शहर। आबाद तो आपने सुना होगा, हैदर आबाद यानी कि ऐसा शहर जो शेरों से आबाद है। इज दैट ऑसम स्टोरी? अगर आप हैदराबाद में रहते हैं, यू बी वेरी प्राउड टू नो द किंग ऑफ द हार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे सुनने के तो अच्छा लगता है। ओ, हैदराबाद सुन के को मटन बिरयानी खाने का मन कर रहा है। हैदराबाद तो फिलहाल नहीं जा सकता हूँ, पर मटन तो खा सकता हूँ। निसिन कप नूडल्स का रोगन जोश रिच मटन करी, ऐसे फटाफट रेडी हो जाता है खाने के लिए। नूडल्स भी है, मटन भी है, अंदर एक स्पून भी है। नाइस, ओके। हैदराबाद से चलते हैं कोलकाता। कोलकाता का जो नाम है बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम, नाम भी कितना प्यारा है, कोलकाता। इसे बंगाली भाषा मेरे को सुनने में बहुत मीठी लगती है। कोलकाता की चौक चौक मिश्री ढोई संदेश मुंह में खाना है। कोलकाता का जो ट्रेडिशनल हेरिटेज है बहुत ही ज्यादा रिच है, और जो कोलकाता में प्रचलित है वो है द गॉडेस काली, वुमन पावर। कोलकाता आता है ओरिजिनल बंगाली टर्म से जो है कोलिकाता, जो आता है कोली क्षेत्र से। कोली क्षेत्र का मतलब है वो क्षेत्र जो काली माता, कोलिकाता बन गया कोलकाता। काली माता से मिला कोलकाता को अपना नाम। पर ऐसा एक और शहर है जहाँ पर उनकी देवी की वजह से उस शहर को अपना नाम मिला। अब पार्वती जी का जो दूसरा रूप था, जो कि वॉरियर रूप था, स्ट्रॉन्ग रूप था, उस अवतार को कहते हैं चंडी अवतार। अब चंडीगढ़ का जो नाम है बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, क्योंकि माता पार्वती से आया चंडी, पर गढ़ का मतलब होता है फोर्ट। अब चंडीगढ़ में बहुत ही प्राचीन मंदिर है माता चंडी का, उसके आसपास जो जगह है वहाँ पर एक फोर्ट बनाया गया उस मंदिर के लिए, बहुत पुराने टाइम में बना होगा। और वैसे ही इस पूरे क्षेत्र का नाम पड़ गया चंडीगढ़। कहा था भारत में देवी देवताओं की वजह से इतने सारी जगहों के नाम बने हैं। ऐसी ही जगह है श्रीनगर, जिसे कहा जाता है हेवन ऑन अर्थ। खूबसूरत भी है, नायाब भी है। पर सोचिए श्रीनगर को श्रीनगर क्यों कहते हैं? ये आप शायद गेस कर पाओगे। श्री का हिंदी में क्या मतलब होता है? श्री, जब आप किसी को आदर के साथ बुलाते हैं। पर श्री गॉडेस लक्ष्मी का एक दूसरा नाम भी है, ये जानते थे? पर श्री का मतलब प्रॉस्पेरिटी यानी कि बरकत भी होता है, और नगर का मतलब क्या होता है? शहर, सिटी। तो वो जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा बरकत हो वो बन गया श्रीनगर। इज दैट अमेजिंग? आई लव दैट। यार श्रीनगर में भी इतना मस्त 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 मीट मिलता है ना, दे कुक सम अमेजिंग डिशेस। सॉरी, फिर से भूख लग गई। खाओगे? निसिन कप नूडल्स का रोगन जोश रिच मटन करी, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो हाथों से गर्म पानी डाला था, रेडी हो गया। यार मेरी कुकिंग को क्रेडिट ही नहीं देता है। अब भारत में एक और ऐसी चीज है जिसे बहुत पूजनीय माना जाता है, और वो है वृक्ष, खास करके बैनियन ट्री, वड का पेड़। एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत सारे वड हैं। अब संस्कृत में वड का मतलब होता है द हार्ट ऑफ द बैनियन, यानी कि बैनियन ट्री का दिल। और जिस शहर में इतने सारे वड है वो शहर है वडोदरा। अब काफी शहरों के नाम बन जाते हैं ये देवी देवताओं की वजह से, वहाँ क्या उगता है उनकी वजह से, वहाँ की बोली से। पर वडोदरा का नाम पड़ा वड के वृक्ष की वजह से। आई लाइक इट। अगली बार आप जो गुजरात जाओ और वडोदरा जाओ, वहाँ पर ये देखना कि आप कितने बैनियन ट्रीज काउंट कर पाते हो, मजा आएगा। अच्छा, एक शहर है जिसका नाम एक डैम की वजह से पड़ा था। माना जाता है किसी इंडियन डायलेक्ट में एक डैम को बोलते थे पाल। अब एक राजा थे जिनका नाम था भोजा, तो राजा भोजा ने जो पाल बनाया कहाँ बनाया? वो बनाया इन भोपाल। तो ऐसे कहते हैं कि पहले पहले शहर का नाम होता था भोजपाल, भोजपाल से धीरे 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 बोलते बोलते बन गया भोपाल। पता था? अब वो डैम का तो नामो निशान नहीं रहा, लेकिन सिटी को उसकी वजह से नाम जरूर मिल गया। अच्छा, डैम किस पे होता है? वाटर बॉडी पे। साउथ इंडिया की तरफ ट्रैवल करते हैं, कन्नड़ा भाषा में लगून या पानी को बोलते हैं कोच्चु आजी, यानी कि लगून। अच्छा, काची का मतलब भी होता है हार्बर। ऐसी जगह जो लगून के आसपास जहाँ पे हार्बर हो, कोच्चु आजी बन गया कोची। अब उस समय पे ट्रेड के लिए काफी लोग आते जाते
आते थे, इस पूरी जो शहर था इसकी जो आबादी थी वो उनकी आमदनी आती थी ट्रेड रूट से। और ये जो हार्बर था पुचुआजी में, इस जगह के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट होगा कि जगह का नाम ही पड़ गया पुचुआजी यानी कि कोची। भाई काम बड़ा जरूरी होता है। सोचिए कोई ऐसी जगह है और भारत में जिसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर काम बहुत ज्यादा उस चीज का होता है। सोचिए सोचिए, मिला तो कमेंट्स में बताना। अच्छा जाते जाते मैं आपको बताता हूँ मैसूरू के बारे में। मैसूरू, मैसूर का नाम आता है माही शुरू से, एक ऐसी जगह जहाँ पर महिषा रहते हैं। अच्छा संस्कृत में महिषा का मतलब होता है बफलो यानी कि भैंस, तो आप महिषासुर को तो जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिषासुर इंसान और भैंस का रूप ले सकते थे। अब महिषासुर पहले यहाँ पर राज करता था, पर जो गॉडेस है देवी चामुंडेश्वरी, उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर तो चला गया लेकिन नाम मैसूरू रह गया। Isn't that incredible? भारत में ऐसी इतनी सारी जगह है जिनके नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ विचित्र है। मुझे अभी बताइए कि अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं, अगले वीडियो में आप किस बारे में जानना चाहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं क्या आपको पता है कि उस शहर का नाम जो है वो क्यों है, कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर जरूर करना, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो जब शेयर होते हैं ना हमें अपने हिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता चलता है। एंड दैट्स ऑसम राइट, आई लव दिस। मेरा भारत महान। नमस्ते एंड पिपुची।